शुरुआत इस कहानी की उस राज्य से जहां मुख्यमंत्री गोपाष्टमी पर गायों की पूजा करते दिखते हैं, जिस राज्य में गो कैबिनेट बन जाती है और गायों की सुरक्षा पर बैठक करती है, जिस राज्य में गाय को बचाने के लिए काउ टैक्स भी लगाने का विचार होता है। और मुख्यमंत्री कहते रहते हैं, गाय हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, लेकिन केवल श्रद्धा और आस्था नहीं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाने जा रहे हैं, तो आर्थिक स्वावलंबन का एक पाया भी गाय बन सकती है। लेकिन जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद गौशालाओं से आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आते हैं, तो पता चलता है काऊ से ही दोस्ती दिखाने वाली सरकार काऊ से ही बैर भी रखती है। क्या सरकारों को केवल चुनाव के समय ही गाय, गौशाला और गौसेवा की याद आती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है, और शायद यही वजह है कि जो गौशालाएं बनी हुई हैं उनकी स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। राजधानी भोपाल से महज 25 किलोमीटर दूर कुठार गांव में हम मौजूद हैं। ये एक शासकीय गौशाला है। शासकीय हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कमलनाथ सरकार ने 1000 गौशालाओं को बनाने का जो लक्ष्य रखा था, उसी लक्ष्य के तहत इस गौशाला को बनाया गया है, राधा कृष्ण गौशाला। लेकिन यहाँ गायों की स्थिति देखिए आप, हम जब जगह मौजूद है वहां से ठीक मेरे चंद कदमों की दूरी पर ये एक गाय है जो बहुत बुरी स्थिति में यहाँ पर है और किसी भी समय दम तोड़ सकती है। हड्डियों का ढांचा बनी खड़ी ये गाय उस सरकारी गौशाला में है जहां गायों के नाम पर स्वर्ग बनाने का वादा सरकार ने किया, लेकिन ये नहीं बताया था कि चारे भूसे की कमी के कारण यहीं पर गायों को स्वर्गवासी भी बना दिया जाएगा। ये भूसे वाला घर है जो भूसा सेट बनाया है हमने, इसमें जब 2 महीने का हमें अनुदान मिला, जैसे जून 2020 से गौशाला के लिए भूसे के लिए पैसा जो 20 रुपए दिया गया था, उस टाइम इस भूसे के टाल में ये पूरा भूसे से भरा हुआ था 2 महीने में, लेकिन पैसा नहीं मिलने के कारण आज आप स्थिति देखिए, इसमें भूसा नहीं है। नियम है प्रति गाय प्रतिदिन गौशालाओं को 20 रुपए दिया जाएगा। गौशाला की तरफ से सरपंच जनपद पंचायत को डिमांड भेजते हैं, जनपद पंचायत को उस 20 रुपए के लिए डिमांड जिला पंचायत को भेजनी होती है, फिर जिले का प्रशासन तय करता है फंड देना है कि नहीं, कितना देना है, कब देना है। आरोप है मध्य प्रदेश में गौशालाओं को 5 से 8 महीने का फंड अब तक नहीं दिया गया। 20 रुपए गाय सरकार ने तय किया था गायों को अनुदान देने के लिए, वो 20 रुपए 2 महीने के लिए पहुंचा, तब तक हमने बड़ी व्यवस्था की जो पहुंचा पैसा, इसके बाद से अभी तक जो स्थिति है 5 महीने की, उसमें हमें 1 भी रुपए नहीं मिला है फंड के तौर पे, जो अनुदान के तौर पे, यदि वो पैसा मिलता तो गाय की ये स्थिति नहीं होती। क्या उस जो अनुदान जो मिलता है सरकार से 20 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से, उससे क्या कुछ काम हो जाता है, एक गाय पे कितना खर्चा आ जाता है? नहीं, 20 रुपए तो सर कम है मेरे हिसाब से, हम जो चला रहे हैं, हमने जो देखा है, जो सीखा है इससे, कि कम से कम एक गाय पे 40 रुपए खर्च तो होना चाहिए, 20 में कुछ नहीं होता गाय का, लेकिन हम वो 20 रुपए भी मिलते टाइम पर उसको और हम सब लोग इकट्ठा करके हम उसको चला सकते। पैसा मिलता नहीं तो हालत ये होती है कि अकेले भोपाल की राधा कृष्ण गौशाला में 7 महीने में 71 गायों ने दम तोड़ दिया, और दावा है कि लगभग ऐसी ही दुर्दशा मध्य प्रदेश में 327 निजी गौशालाओं, 904 राजकीय गौशालाओं की हो रही है जिन्हें सरकार की तरफ से फंड देना होता है। उस पर तुर्रा ये कि शिवराज सिंह की सरकार 2000 नई गौशालाओं को बनाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन काश गाय हमारी माता है करने वाली राजनीति पहले से चलती आ रही गौशालाओं का हाल देख लेती। भोपाल के पास ही महामृत्युंजय गौशाला की गाय सिर्फ सूखा भूसा इसलिए पा रही है क्योंकि इन्हें भूसे के साथ जरूरी चीजें देने वाला पैसा कई महीनों से आया नहीं, उधार लेकर गौशाला समिति गाय पाल रही है। 6 महीनों से अनुदान ना मिलने के कारण हमको सबसे गायों के लिए जो है भरण पोषण की व्यवस्था, कर्मचारियों का वेतन है, इन सब के लिए हमें बहुत समस्याएं हमारे सामने आई हैं। हमारी जो समिति के लोग हैं, हम लोग ने आपस में मतलब दान चंदा करके और इसको और कुछ ज़रूरत पड़ती तो उधार लेके हम इसका संचालन कर रहे हैं नियमित। तो क्या गाय को लेकर प्रेम सिर्फ वोट मांगने तक सीमित रहता है? क्योंकि रवीश पाल सिंह दिखाते हैं कि इस गौशाला में उधार के पैसे से खरीदा गया भूसा रखने की हालत न होने के ही कारण कुछ घंटे की बारिश में भूसा भीग कर सड़ने लगता है
और इन सब का कारण है गाय के नाम पर बोल बच्चन वाली राजनीति। 2019-20 में 180 करोड़ का बजट गाय गौशाला के लिए बनाया गया था, जिसमें 150 करोड़ रुपए पारित हुए और मिले 132 करोड़। 2020-21 में तो गजब हो गया, 150 करोड़ रुपए मांगे गए, जिसमें से दिए गए सिर्फ 11 करोड़ 80 लाख रुपए। 2020-21 में ही अनुपूरक बजट में 104 करोड़ रुपए दोबारा मांगने पर 20 करोड़ रुपए पर सहमति मिली, लेकिन पैसा कहते हैं कि अभी तक नहीं आया। 2021-22 में एक बार फिर 150 करोड़ रुपए का बजट गायों के लिए मांगा गया था, लेकिन 60 करोड़ रुपए का ऐलान सिर्फ सरकार की तरफ से किया गया। यही कारण है कि पशुपालन विभाग के निदेशक भी पूछते हैं, पैसा है नहीं तो गायों की रक्षा कैसे होगी। इसके बाद अभी हमें बजट अनुमान मिला है तो 60 करोड़ के लगभग मिला हुआ है और आवश्यकता हमें कम से कम 140 करोड़ की होगी। तो क्या मान लें कि जैसे गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो छुट्टा छोड़ दी जाती है, उसी तरह गाय से जब सत्ता की कुर्सी का दूध मिल जाता है तो राजनीति में गाय और गौशालाओं को छुट्टा छोड़ दे रही है, यानी सत्ता के लिए काऊ से ही दोस्ती, बजट देने के नाम पर काऊ से ही बैर। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।